बात ये सदियों पुरानी, जब न थे कोई राजा रानी, रेगिस्तान भी सन्नाटे में कांपता था, तब अमरसार की जमी से एक योद्धा आया, साहस और बहादुरी का था वो साया, सिर्फ 12 साल की उम्र में करने चला था वार वो, अपने कंधों पे तीर लिए लिखने चला था शेखावटी राज को, फिर क्या था, महलों पे महलें बनी, दीवारों पे कहानियां रची, अनगिनत कारवे आए, चीन मिश्र से व्यापारी लाए, राव शेखा के राज में कोई न प्रवासी रहा, हर किसी को हवेली मिली, हर किसी को सोना मिला, फिर वक्त ने करवट ली, रेत ने लुक्का छुपी खेली, इतिहास के पन्ने पढ़ते गए, कभी अंग्रेज तो कभी राजपूतों के रंग मंडावा की दीवारों पे चढ़ते गए, आए कभी सुने इन गलियों को आप, जनाब ये मंडावा की हवेलियां हैं, केवल इतिहास नहीं भरपूर कहानियों से भरी पहेलियां हैं। सो देयर आर टू वेज ऑफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, पहले बस में चढ़ो, फिर प्लेन में उड़ो, फिर एक मैप खरीदो, फिर ढूंढते 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 अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचो, या फिर you get off the bus, you miss the plane, and you close your eyes and you just point to a random place on the map. That's right. Aur chances hain aapke paas mein ki aap ek aisi jagah pe pahunchoge jiske bare mein pehle aapne kabhi suna bhi nahi hoga. Just like us, because when you have the map of Rajasthan, aapka surprise factor double hona to banta hi hai. What's up, guys? My name is Neel. My name is Kaavya. And we guys have the perfect vision of a camel's back only in Rajasthan. And only on You Got Magic. जयपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर थार के रेत से घिरा हुआ ये छोटा सा गांव पहली नजर में आपको पीके या बजरंगी भाईजान की जरूर याद दिलाएगा, पर अगर आप थोड़ा सा जूम इन करो, यू विल फाइंड योरसेल्फ सराउंडेड बाय द इनफिनिट स्टोरीज पेंटेड ऑल ओवर दीज वॉल्स एंड इट्स हवेलीज। India's largest open art gallery बोलें या फिर Silk Route of the Desert। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो अपने travel plans में इस जगह को जरूर include करें। Welcome to the pride of the Shekhawats, welcome to Mandawa। Bro, अग्निपथ नहीं चल रही है, ये मंडावा है। Sorry, welcome to Mandawa। पधारो सर। मंडावा की इंटरेस्टिंग कहानियों को ढूंढते ढूंढते हम जा रहे हैं तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी हवेलियों में, और यहाँ 180 ऐसी हवेलियां हैं which have this artwork which means that this is the world's largest fresco concentration. Ever wondered why such magnificent artwork exists in the middle of the desert? Well, blame it on the 19th century merchants who thought it would be wiser to spend some money on art rather than war. ये जो आप पीछे फ्रेस्कोस देख रहे हैं, this is actually the first time the people of Mandawa saw a train. बिल्कुल, और जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसका नाम है मुरमुरिया हवेली। कहते हैं कि यहाँ के ओनर को देश विदेश जाके पिक्चर्स क्लिक करवाने का बड़ा शौक था, एंड ये 1930 में बनाई गई हवेली है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आर्टिस्ट को बॉम्बे भेजा टू सी व्हाट ट्रेन्स लुक लाइक, और जो उन्होंने देखा वो उन्होंने बनाया। एंड जैसा कि हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख पा रहे हैं, शुरुआत के जो कोचेस हैं वो इंग्लिश मैन के लिए हैं, बाकी हम आम हिंदुस्तानियों के लिए। तो क्या हम समझ लें कि पहली मर्तबा हमारे ईगो पे चोट तभी लगी थी और हमने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आफ्टर ऑल हमें किसी के पीछे पड़ने की आदत नहीं है ना। भैया आपका नाम? मेरा नाम किशोर थलिया है। किशोर, नाइस टू मीट यू जी। आपका नाम? बलबीर थलिया। बलबीर जी, थैंक यू। मेरा नाम नील है। आपकी एंटीक शॉप भी है ये? तो ये जो सारा सामान आया है कहाँ से आया है? ये सर हम जैसे पुरानी हवेली में जो टूटा फूटा कचरा बिकता उसे इकट्ठा करते हैं सब। चलो तो फिर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जरूर दिखाओ सर। ठीक है, एक अंगूठी ले लें। जी जी, ये वाली ले लेते हैं। जी ठीक है जी। ये कौन से कलर की है? गोल्डन। गोल्डन है ना। वाह, कलर कलर चेंज हो गया। क्या हो गया?
जादू है, जादू, जादू। तो ये अभी गोल्डन से ब्लैक हुआ ना? जी जी, ठीक है। पकड़ो, हाथ पकड़ो ऐसे, ठीक है। अब ये देखो, गायब हो गया, चमत्कार है, ठीक है। हाथ में नहीं है, अब गया तो कहीं और जाना चाहिए, है ना। अभी आपके पास कैबिनेट है, यहाँ से कुछ भी उठा के ले आइए। ये ठीक है। तो अब ये देखो, अभी रिंग यहाँ से उठाया, उसे बदला और फिर गायब किया, फिर आपने ये वहां से दिया, हाँ, दिया। ठीक है, अब ये देखिए, इसके अंदर एक और, अब इसके अंदर, वाह, इसके अंदर कांच आ गया, निकालिए, कमाल है। जीन के अंदर कपड़ा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर ये रिंग हाथ में से वहां कैसे चले गए उसमें? चमत्कार, जादू। Not very far from the beautiful Haveli sits the royalty of this land, the fort that laid the first stone of Mandawa. इंडियन आर्मी की शायद ही कोई ऐसी बटालियन हो जिसमें कोई शेखावत ना हो। Known for their courage and valor, this is one region that has given the maximum number of soldiers to the Indian army. हो भी क्यों ना, Shekhawati is named after राव शेखा, वही राव शेखा जो 12 साल की उम्र में अमरसार का राजा बना और जिसने Shekhawati वंश को establish किया। And then following his grandfather's footsteps in 1755, ठाकुर नवल सिंह built this fort as a safeguard to the outpost. Needless to say, ये फोर्ट आज भी मंडावा की शान है। And keeping the legacy alive, the royal family of Mandawa has converted this lavish fort into a heritage property called Castle Mandawa. और इस वक्त हम हैं मंडावा की रॉयल फैमिली के साथ और हमारे साथ बात करने के लिए हैं कंवर शिवार्जुन एंड कंवरानी चंद्रिका जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड बीइंग सच अमेजिंग होस्ट। वी बीन हैविंग एन अमेजिंग टाइम ओवर हियर। ओके, सो कुड यू टेक अस बैक इन टाइम टू द बिगनिंग ऑफ मंडावा एंड द हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट? दिस फोर्ट वाज बिल्ट इन 1755 बाय ठाकुर नवल सिंह जी। दिस वाज बिल्ट एज अ प्रोटेक्शन पॉइंट फॉर ट्रेडर्स फ्रॉम पर्शिया टू चाइना, द सिल्क रूट। So this is supposed to be the first heritage property hotel of India. In India. Right? 1979. In 1979. Yeah. So this place is known to have a lot of stories. So can you tell us about the in-house stories? When you see the back gardens, the rooms around it, they used to be the stables for the horses and the jail. Okay. And which have been converted into the rooms. Then one of the rooms is a very, very auspicious room in the hotel, which belonged to my great grandmother. And then there is a room which has the oldest painting of this area, this region. It's still intact in that room. How old is that painting? That goes in around 1770s or so. Thank you for hosting us. Well, thank you. So the next thing that we're going to do, it's a thank you gift from the team of You Got Magic. So I'd like you guys to think of an experience, right? Can you just discuss among each other whichever one experience you guys want to think of? All right, you got something? You guys are in sync with the experience? Yeah. Okay. I'd like you to think of who all are there in this experience. Can you tell us who all are there in this experience? My son. Your son. Anjanay. Anjanay. I got
daughter and son. Yeah. The whole actually, yeah. family. Yeah. Yeah? Yeah. Okay. As a family, you went to do something, I'm guessing, right? So yeah. can you just think of where you guys went? Not in India. This is in the US. What was it? Disneyland. Where? Orlando. Disneyland, Florida, Orlando. Yeah. Yeah? Yeah. okay, good. So I'm guessing you had a memory over there. Just think of what the memory was. Is this one of your kids' favorite characters or something? I'm just gonna go out on a hunch over here. I don't know a lot of Disney characters, but... who is it? Which character? Mickey. I wrote Minnie or Mickey, one of them. I couldn't like figure out. Okay. So you were thinking of your son, yeah, right? And did you also, are you also thinking of a particular trait about him or something? Yeah. Okay, let's go for that also. Okay, so think of... the trait again? Think of whatever about your son you like the most. Okay. Very unusual one I'm getting. I don't really get a lot of people. What is it? His affection towards his sister. Towards your daughter. Ouch. Yeah. yeah. There you go. Thank you very much. Yeah, thank you. I didn't think you'd get this one right. How is he reading my mind so clearly? So to experience this kind of a thing, which is spooky. I don't know how one gets to the head.